हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर एक छोटा सा चेन रूल हमने पढ़ा था, और आज हमें उसके नेक्स्ट टू टाइप्स जो कि हमने बात की थी कि भाई पहले हमें चेन रूल बिल्कुल जो बेसिक होता है वो सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल पे आएंगे। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है और क्वेश्चन रूल क्या है, इनके ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल पे बात कर देते हैं। देखिए, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में जो मैथ्स आने वाली है वो बहुत ही हल्की और बहुत ही आराम से आप लोग जो कवर कर सकते हैं वैसी मैथ्स है। तो जैसे सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको उसका बेसिक क्लियर हो, और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट रूल आप सिखाने जा ही रहा हूं। तो पहले जिन बच्चों ने भी अभी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देखें, उसके बाद प्रोडक्ट रूल की वीडियो, ठीक है बच्चों? अच्छा, प्रोडक्ट रूल है क्या? तो प्रोडक्ट रूल समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब यहां पे ये है कि जब कोई दो फंक्शन मतलब क्या, कोई दो ऐसे अपने अलग कैरेक्टर वाले वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे एक सिंपल सी बात ले लेते हैं, ए एक अलग वेरिएबल है, बी एक अलग वेरिएबल है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मुझे इन्हें किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, अभी एक एक करके क्वेश्चन की बात भी करेंगे हम। अच्छा, तो ए एक अलग फंक्शन है, बी एक अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, जब कोई भी साइन ना हो तो समझ जाते हैं हम ऑटोमेटिक क्या भाई कि ये कौन होगा, ये मल्टीपल होगा, ठीक है? और ऐसे केस में डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, तो बहुत सिंपल, मैं यहां पे डेरिवेटिव को डैश से डिनोट करूंगा इस तरीके से, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो हमें करना क्या है, मेरे शब्दों को सुनिए, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, अब लगाएंगे बीच में प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव हो चुका है तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, बस इतना सा रूल समझ अगर गए आप सब तो ये बच्चों का खेल बन जाएगा आपके लिए, और वही बेसिक जो चेन रूल हमने इस्तेमाल किया था वही सेम चीज हम इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो मैं आप क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो फटाफट इन क्वेश्चन को देखेंगे और इसी रूल के बलबूते हम प्रोडक्ट रूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है? तो लीजिए बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी आपके सामने, ये देखिए एक क्वेश्चन है ये, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, y इज इक्वल टू 5x की स्क्वायर प्लस 7 और 3x की क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ये ले लिया मैंने, ठीक है जी? अब आपसे कहा गया कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ठीक है? अच्छा, अब ये आप साफ देख सकते हैं कि ये कंटेंट बच्चों पूरा, यानी ये एक अलग है और ये एक अलग है, कैसे? क्योंकि ये ब्रैकेट इसको अलग कर रहा है और ये ब्रैकेट इसको अलग कर रहा है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है क्या रहा होगा, मल्टीपल। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस पूरे का हमें डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। अच्छा, तो हम वाई का डेरिवेटिव करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, बराबर ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए साइन क्या लगाएंगे, डैश, सेकंड एज इट इज, यानी सेकंड जैसा है वैसा ही रहेगा, बीच में क्या आएगा बच्चों, प्लस। अब क्या है, फर्स्ट एज इट इज, जबकि जो सेकंड वाला है उसका क्या होगा, डेरिवेटिव, सेकेंड वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव। हाँ जी, कर चुके हैं, कैसे भाई, इस फाइव से कोई रोल नहीं है, ये जैसा वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे, पावर आगे एक कम, सही बात है, और सेवन के साथ कोई एक्स नहीं है, क्या होगा, जीरो,
इसका भी कोई रोल नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। प्लस इसका कोई रोल नहीं है, क्यों? एज इट इज है, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ जी, इसका करना है डेरिवेटिव, सॉरी ये क्यूब था, हाँ इसका करना है डेरिवेटिव। तो कैसे? थ्री कोफिशियंट है, कोई लेना देना नहीं। पावर क्या करेंगे? पावर आगे एक कम, प्लस टू, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या बनेगा? वन प्लस थ्री। हाँ जी, थ्री का क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि थ्री के साथ कोई वेरिएबल। फाइव टू जा 10x, 3x की क्यूब प्लस 5x² प्लस 7, 3 3 जा 9x² प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है? अब इनको मल्टीपल करके सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म। ये क्या बन जाएगा? 10 3 30x की पावर 1, x की पावर 3। जब दो बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर आपस में क्या करती है? ऐड। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। प्लस इसी तरीके से ये 10 को 2 से 20, अब ये x और ये भी x, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, 1 प्लस 1 x का स्क्वायर, और ये 10 3 तो 30x। अब कहोगे यहां क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि यहां x है लेकिन यहां x नहीं है। प्लस अब आगे मल्टीप्लाई। अच्छा अब देखिए, अब यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको? पहले इसको इससे भी करना है और इससे भी करना है। कीजिए, 9 5 जा 45 x² बेस सेम है, ऐड हो जाएगा 4, फिर 5 को उससे, तो 9 5 2 जा 10x² अब 7 को इससे और इससे, तो 9 7 जा 63x² प्लस 7 2 जा 14। ठीक है, अच्छा अब मैं बाकी यहां लिख रहा हूं। ठीक, तो dy dx क्या बन चुका बच्चों? देखिए, पावर 4, पावर 4 आपस में ऐड करेगा, 45 और 30, 75x की पावर 4। अब 3 वाली देखिए, 3 पावर है कहीं? नहीं है। 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 वाला पावर है? हाँ जी है। ये रहा x 20 और ये 63, 83 और 10 93, 93x² अब उसके बाद अकेला x, अकेला x, अकेला x है कहीं? हाँ जी है, 30x, 30x, और बिना x के कोई है? हाँ जी, बिना x के कौन है? 14। तो ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है, ये आपके लिए क्या हो गया? प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों बस इतना सा आप कर ले, खत्म कहानी। ये प्रोडक्ट रूल है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, यहाँ 3 क्वेश्चन लिखूंगा अभी कम से कम, और फिर उसको आगे बात करते हैं। लीजिए बच्चों, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 3 4 एक 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप ये 7 क्वेश्चन कर लीजिए, वो सफिशियंट है फिर आपके लिए। इतना ही में ही आप प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ये आप पहले भी अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, ये भी कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये करा देता हूँ मैं, जब ये करा दूंगा तो ये ऑब्वियस सी बातें कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये करा देता हूँ तो बाकी के फिर 2 कर लोगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ 3, और 1 करा देता हूँ 5। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट इसको, उसके बाद मैं ये 2 क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब नोट कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा ये 9x लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो तो, या ठीक है, e की पावर 9x। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन पहले यहां पे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3 अंडर रूट 3x प्लस 2। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्स का क्यूब अंडर रूट 4x का क्यूब प्लस e की पावर 5x। ये ठीक है, चलिए शुरू करें। ये देखिए, पहले बच्चों इसको करते हैं फटाफट। ठीक है, हाँ जी, ये एक अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन, सही बात है, चलेंगे। अब जरा हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव है तो डी वाई,
किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के, तो डी एक्स। अब आपको पता है पहले का डेरिवेटिव डैश, दूसरा एज इट इज प्लस। अब पहला एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है? चलो, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करना है, करो। पावर आगे एक कम, प्लस फोर का फोर, एक्स का क्या बन जाएगा? 1 3 0। ये क्या है? एज इट इज प्लस, ठीक। अच्छा ठीक, अब ये अपनी जगह पर एज इट इज। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, कीजिए। आपको पता है ना, मैंने क्या सिखाया था आपको भाई, कि अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। सही बात है, मैंने यही सिखाया था ना बच्चों, कि भाई अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। लेकिन भाई ये अंडर रूट तो है, लेकिन नीचे अकेला एक्स नहीं है, 3x+2 है। तो पहले तो आप एक काम करो, आप इसको ना एक्स के नजरिए से देखो, कि भाई ये जो 3x+2 है वो कौन है? एक्स ही है, यही मान के चलो। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, तो आप डायरेक्ट क्या करो, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पे ये पूरा लिख दो। यहां तक की बात समझ में आई? पहले ढंग से देखना, क्या बोला मैंने, कि अंडर रूट अंदर एक्स नहीं है, अंदर एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है? 3x+2। लेकिन आपको नजरिया जो रखना है वो किसका रखना है? एक्स का, ताकि जब आप डेरिवेटिव करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपने यही बना के लिखो, 1/2 अंडर रूट एक्स। आपने लिख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब क्या? जो भी अंदर है वो आपने यहां पे पुट कर दिया, ठीक है? लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। ये डेरिवेटिव किस चीज का हुआ है प्यारे बच्चों? ये डेरिवेटिव ना आपका अंडर रूट वाली पार्टी का हुआ है, लेकिन अंदर जो है 3x+2 इसका डेरिवेटिव तो हुआ ही नहीं। तो आपको अब इसका डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? कि जो भाई हमने ये रूट का डेरिवेटिव तो कर दिया, लेकिन अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव अभी हमने नहीं किया है। तो इसका कीजिए कैसे भाई? देखो, रूट का डेरिवेटिव तो आ गया 1/2 अंडर रूट 3x+2। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे हम? अब हम डेरिवेटिव करेंगे 3x+2 का। तो 3x का बन गया 1 और 2 का बन गया 0, ठीक है बच्चों? और ये क्या बन जाएगा? 2x+4 अंडर रूट 3x+2। और ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाए 3, यानी कि ये आ जाएगा x² + 4x + 3, और ये 3 बन जाए 3/2 अंडर रूट 3x+2, ठीक। हम इसे और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीपल से, ठीक है? ऐसे क्रॉस मल्टीपल से कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है? वैसे यहां भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही इसको इससे करोगे तो 3, ये देखिए 2x, 1 मिनट, 2x+4। हाँ जी, अब ये वाला 2 इधर आके हम बाहर लिख सकते हैं, अंडर रूट अंडर रूट। जब बच्चों रूट की कोई दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो क्या बन जाती है? वापस वही सेम डिजिट बन जाती है। मतलब अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए है तो वो ए बन जाएगा, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू है तो वो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 5x+3 इंटू अंडर रूट 5x+3 क्या बन जाएगा? 5x+3। समझ में आ रही बात? तो बस वही सेम चीज है कि भाई 2 तो इधर बाहर लिख दिया मैंने, अंडर रूट 3x+2 अंडर रूट 3x+2, तो 3x+2। और 1 को इससे करेंगे तो क्या, 3 तो आगे है ही, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, ठीक। और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई तो 2/√3x+2, ठीक। अब आगे सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए, इसे मिटा दूं, ठीक है? कीजिए सॉल्व कीजिए, ये तो 2 ही रहेगा, अंदर से अंदर सॉल्व कीजिए। मैंने बताया था ना पहले इसको इससे, फिर इसी चीज को इससे। तो 2 को 3 से करेंगे, 2 ये 3 2 6, और x x पता है ना आपस में, x² फिर इसको इससे करेंगे, 2 2 जा 4,
4x प्लस, अब 4 को 3 से करेंगे तो इतना 12x, प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 8, प्लस अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 3x2, ये नीचे होएगा थोड़ा सा, 3x2 12x प्लस 9 अपॉन 2√3x+2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई होके, 2√6x² 4 और ये 16x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 9, ठीक है, 2√3x+2। हाँ जी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12x², 16 दूनी 32x, 8 दूनी 16, 3x² 12x+9, 2√3x+2 सॉल्व करना है यार, बस छोटा सा है, 3 और 12 और 3 15x² और 32 और 12 कितना होते हैं 44x, 16 और 9 25 बटा 2√3x+2 आंसर, सिंपल। ठीक है तो बस आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, समझ में आ रही बात? तो इसलिए डेरिवेटिव का ध्यान रखना। देखो सॉल्व तो आप कर लोगे यार, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है मल्टीपल करना और सॉल्व करना है, लेकिन मैटर करता है ये चीज कि डेरिवेटिव किया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस पहला डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, ठीक, उसके बाद क्या करना है, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, पहला डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया सिंपल, लेकिन यार रूट के अंदर मैंने बता दिया कि एक्स वाली पार्टी को एक्स ही मान के चलो ताकि आप इसको ऐसे लिख सको, उसके बाद नजरिया बदलना है कि भाई अंदर क्या चीज है, फिर जो अंदर जो भी चीज रहेगी उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, समझ में आ रही बात? इसको देख लो सही से, ठीक, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, अभी वो भी क्वेश्चन रह रहा है उसको भी करते हैं अभी, ये नोट कर लो पूरा और इसको मत करना, ठीक, ये अभी करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पता ही है वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई, और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, एक्स के, तो अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड बच्चों एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो भैया ई एक्स ही होता है, जैसा है वैसा ही, लेकिन भाई ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर ई एक्स की क्यूब है, तो जब ई एक्स की क्यूब है तो ई का तो हो गया, एक्स क्यूब का बाकी है, तो एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव कीजिए तो क्या बनेगा, पावर आगे एक कम, और ये तो है ही क्या एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज है। अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है, फिर से याद करेंगे मैंने क्या बताया था, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। तो हमें जब इसका डेरिवेटिव करना है तो अभी अंदर क्या लिखा है हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है कि भाई हमें इस नजरिए से देख के चलना है कि ये पूरा एक्स ही है। तो चलिए जरा डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 √x, एक्स की जगह पे इस पूरे को उठा के रख दीजिए। चलिए भाई देखो ये हमने किस आधार पे लिखा है, इस आधार पे, ठीक है, कि भाई हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अंडर रूट एक्स है, तो हमने इसे 1/2 √x के हिसाब से लिख दिया। लेकिन बच्चों रियलिटी तो हमें पता है ना कि रियलिटी में ये एक्स नहीं है, रियलिटी में ये 4x³ + 5ex है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, तो कीजिए अंदर वाले का, तो करेंगे मल्टीप्लाई अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो 4 अपनी जगह पे 4 रहेगा, एक्स का क्यूब पावर आगे एक कम 3x² प्लस ई की पावर 5x, तो ई की पावर 5x, तो ई की पावर 5x ही रहेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब ई की पावर एक्स रहता है तब वो ई एक्स रहता है, लेकिन यहां पे ई की पावर क्या है 5x, तो ई की पावर 5x तो लिखेंगे ही, और साथ ही साथ 5x का डेरिवेटिव भी करेंगे,
तो 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ओनली 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1। हो गया काम खत्म, लीजिए सॉल्व हो गया, क्या बनेगा ये 3x का स्क्वायर ई एक्स का क्यूब अंडर रूट 4x की क्यूब ई एक्स की 5 प्लस, ठीक है क्या, अब ये ई एक्स की क्यूब, ये अच्छे से लिख देंगे, हाँ जी कितना बन जाएगा ये 4 × 3 = 12x का स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस 5e की पावर 5x अपॉन 2√4x की क्यूब प्लस क्या बन जाएगा 5x, ठीक है। तो इतना सिंपल था, यहां पे आप छोड़ सकते हैं, आंसर आपका हो चुका है, ठीक है पूरा। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्ट रूल करवा दिया बच्चों। अब हमें एक छोटा सा रूल और लेना है, क्वेश्चन रूल, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको करने हैं और जो डाउट रहे वो मुझे सेंड करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन रूल कराने जा रहा हूं, तो फटाफट क्वेश्चन रूल के बारे में देख लीजिए कि आखिरकार क्वेश्चन रूल क्या है, ठीक। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें क्या पढ़ना था, क्वेश्चन रूल पढ़ना था, चलिए ठीक है। क्वेश्चन रूल में क्या है, जैसे प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन इस क्वेश्चन रूल में दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे होंगे भाई, हमें डिवाइड करके दे रहे होंगे, ठीक है जी, a अपॉन में b इस तरीके से। और इसका हमें बच्चों क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव। और जब हम भाई किसी दो डिवाइड वाली चीजों को डेरिवेटिव करते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, समझ रहे हो क्या बनेगा वो। अब जब यहां पर डिवाइड बन रहा है तो क्या बनेगा, पहले ध्यान से देखेंगे, जैसे भाई प्रोडक्ट में था पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसमें थोड़ा सा अलग है ऑलमोस्ट यही, थोड़ा सा चेंज करना है, क्या ऊपर वाले का डेरिवेटिव समझ रहे हो, नीचे वाला एज इट इज, अब की बार बच्चों बीच में लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, और होगा क्या ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, और साथ ही साथ एक चीज और जुड़ गई, क्या नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2x + 1 / x - 1, ये ले लिया, या इसको x² - 1 कर लूं, ठीक है, या x - 1 ही रहने दो, ठीक, पहले सिंपल से कर लेते हैं बहुत। भाई ये ऊपर नीचे दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक, हम इसे क्या करेंगे भाई, हम इसे यहां पर पुट करके इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमें इसका भाई डेरिवेटिव करना है, ठीक है। या एक काम कीजिए, इसको भी y के बराबर ले लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं y के बराबर ले लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, लो कर लेते हैं भाई, तो y का क्या बनेगा dy / dx, अच्छा डेरिवेटिव इसका करना है, डिवाइड में है दो अलग अलग है, चलिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, सही बात है, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला, हाँ भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव, और साथ ही साथ क्या करना है नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर कीजिए। 2x का डेरिवेटिव भाई 2 तो अपनी जगह पर रहेगा x 1, और 1 क्या बन जाएगा 0, ये अपनी जगह पे एज इट इज, ये अपनी जगह पे एज इट इज, x क्या बन जाएगा 1 और 1 क्या बन जाएगा 0, और ये x - 1 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या बन गया, 2 × 2 0 तो खत्म, 2x - 1 माइनस 2x + 1 और ये 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल, हाँ जी अंदर सॉल्व कीजिए 2x, इसको इससे 2x, फिर इसको इससे माइनस का 2, अब ये माइनस भी अंदर जाएगा तो ये माइनस का 2x माइनस का 1 x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल आउट, -2 - 1 माइनस का 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपके सामने आपका आंसर तैयार, क्या आया आंसर, -3/x - 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, तो फटाफट उन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करके पता लगाते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने आपके सामने फिर से 6 क्वेश्चन लिखे हैं, और इतने ही क्वेश्चन के बाद आपको प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल में फर्क निकालना आ जाएगा अच्छे से, कि हाँ जी कौन सा प्रोडक्ट रूल है और कौन सा क्वेश्चन रूल है।
मैं ये नहीं कहता हूं कि बस इतने से ही क्वेश्चन से आपका सारा यानी कि जितनी प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है। जैसे अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये तीन बेसिक रूल पढ़ा दिए, चेन, प्रोडक्ट और क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है, जो कि आप पहले 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं उसको भी कवर अप करने जाऊंगा, ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में। आज ये अपने जो 6 क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें से आप ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अच्छा, मैं ज्यादा ज्यादा ये वाला और करा देता हूँ, ठीक है, ठीक, चलिए, ये तो यानी आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो बस आप इनको देख लीजिए और बाकी आपको ये घर से करके मुझे सेंड करने, ठीक है। सारी बातें हमने आपस में कर रखी हैं भाई सभी बच्चों से, कि हाँ होमवर्क किस तरीके से सेंड करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x+4/5 और ये 5x-7 की होल पावर 4, ठीक है, होल पावर 4। अच्छा, कैसे इसका डेरिवेटिव किया जाए, तो वही सेम चीज है भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, प्यारे बच्चों, x डी वाई बाय डी एक्स। पहले वही काम करना है, चेन रूल कभी भूलना ही नहीं है हमें, समझ रहे हो बच्चों, चेन रूल बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, अपने बिल्कुल दिमागों में ये बात डाल लो कि हमें भाई चेन रूल का सहारा नहीं छोड़ना है। क्या है वो, पावर आगे, एक कम, यही है। तो ये तो हमने क्या कर दिया भाई, पावर के लिए डेरिवेटिव कर दिया, चेन रूल लगा दिया, लेकिन अंदर वाली पार्टी क्या है, अंदर वाली पार्टी तो क्वेश्चन रूल लगा रही है, ठीक है। तो अंदर वाली पार्टी जब क्वेश्चन रूल लगा रही है, तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। यही था ना बच्चों, अरे यही था, बस हो गया, लो जी कहानी खत्म। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई नई वैरायटी इसमें सिखाने की जरूरत है, समझ सके होगे अब तक। तो क्या डेरिवेटिव, 2x का 2, x का 1, 5 का 0, अच्छे से पता है क्यों, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5, x का 1, 7 का 0, क्यों जानते हो, दो एकम दो, और ये 2x+5, 5 एकम 5, 5x-7, ठीक है, ठीक। तो ये बन गया 4 2x+5/5x-7 का क्यूब। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, कहीं इसको भी इसके साथ ही लिख दो, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5 2 10x-14, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 10x और ये बन जाएगा माइनस का 25, ठीक है, क्योंकि 5 भी मल्टीप्लाई होगा ना अंदर ही अंदर, ये भी मल्टीप्लाई होगा इनसे, समझ रहे हो। अब ये बन गया नीचे क्या, 5x-7 का होल स्क्वायर, जो कटे काटो जो नहीं कटे छोड़ो, ये इससे कट गया, हाँ जी 4, ये क्या बन गया 14 और 25, माइनस का 29, हाँ जी। अब ये क्या बन गया, 2x+5/3 और अपॉन में, हाँ जी ये तो पावर 3 है ही। अब इसकी देखो, इसके ऊपर पावर 3 है तो इसके ऊपर भी तो पावर 3 होगी, लेकिन पावर 3 और पावर 2 क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, पावर 3 और पावर 2 पावर 5, ठीक है। 29 चौके कितने होते हैं, 30 चौके होते हैं, 120, 4 घटा दो 116, ठीक है जी। तो माइनस का 116, 2x+5/3 और ये 5x-7 की पावर 5, और यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल सा कंटेंट है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व तो कर ही दिया है, बस नोट कीजिए और फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला आपको, ठीक है। चलिए,
वीडियो पॉज करके फटाफट इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक? फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और बताएं, अगली क्लास में उसको भी कवर कर लिया जाएगा। हाँ जी, अब आता है आपके सामने ये क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि यार ये कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत ही नकली क्वेश्चन में से एक है, समझ रहे हो? आपको करना क्या है यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई के लिए क्या कहोगे, dy अपॉन dx। हाँ जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज, प्लस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। हाँ जी, इसका करना, इसका डेरिवेटिव ई एक्स का स्क्वायर तो ई एक्स का स्क्वायर रहेगा, लेकिन भाई ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, लेकिन यहाँ ई एक्स थोड़ी है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, पावर आगे एक कम, बाकी सारी चीजें सेम, फिर सेम कंटेंट। अब इसका डेरिवेटिव पावर आगे एक कम, ई फाइव एक्स का डेरिवेटिव ई फाइव एक्स, लेकिन फाइव एक्स का भी तो होगा, फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई फाइव एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, खत्म कहानी। डी वाई अपॉन में डी एक्स, हाँ जी, टू एक्स ई टू एक्स, सॉरी ई एक्स स्क्वायर, और साथ में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ई फाइव एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर, टू एक्स प्लस में फाइव ई की पावर फाइव एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ई फाइव एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल था है बच्चों, तो इस तरीके से करना है आपको, और ये खत्म हो गया है, ठीक? तो इसके साथ आपका जो पहला पड़ाव है डिफरेंशिएशन का, वो मैंने खत्म कर दिया है। और भी ज्यादा क्वेश्चन फिर से लास्ट क्लास की तरह मैं सेंड करूंगा सभी बच्चों को, ठीक है? और लास्ट क्लास से एक नाराजगी ये कि सिर्फ बहुत ही लिमिटेड बच्चों का होमवर्क मेरे पास आया और बाकी बच्चों का होमवर्क नहीं आया। तो जो नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ बच्चे सिर्फ 10th तक ही मैथ पढ़ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है। तो जब ये वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी ना, तो इतना ज्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा कि इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, जिन्होंने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है, होमवर्क नहीं किया, तो लास्ट क्लास की वीडियो देख के होमवर्क सेंड करें, फिर इसे देखें, इसका होमवर्क सेंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा इसके एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।